आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, APGP, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीक्वेंस की। सीक्वेंस को क्या कहेंगे? ए सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड एंड अरेंज according to some definite law या rule कोई हो, जिस rule से वो सारे numbers arrange किए जा रहे हैं, उनके बीच में कोई rule बन रहा हो, कोई law, तो उन set of numbers को हम क्या बोलेंगे? Sequence बोलेंगे। Various numbers occurring in sequence, जो अलग अलग जो नंबर आएंगे सीक्वेंस में, आर कॉल्ड इट्स टर्म्स, उसे हम क्या कहेंगे? टर्म्स कहेंगे भाई, आर कॉल्ड इट्स टर्म्स एंड आर जनरली डिनोटेड बाई, और इनको ज़्यादातर हम किससे डिनोट करते हैं? जनरली डिनोटेड बाई A1, A2 up to AN और T1, T2, TN। Nth term of sequence is represented by nth term of sequence, फर्स्ट टर्म को A1 लिख लेते हैं, सेकेंड को A2, A3 ऐसे। nth term of sequence is represented by AN or TN, AN से भी लिख सकते हैं और TN से भी लिख सकते हैं nth term को। अब एक सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगी? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों। सीक्वेंस हैविंग ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस, सीक्वेंस हैविंग ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज कैन बी एनी सेट। सीक्वेंस हम एक फंक्शन की तरह से मान सकते हैं, जिसकी जो डोमेन है वो क्या होगी? नेचुरल नंबर और रेंज कोई भी सेट होगा। जैसे AN एक सीक्वेंस है, तो N की जगह हम 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी A1, 2 रखेंगे सेकेंड टर्म, 3 रखेंगे A3 आएगी, 4 रखेंगे A4, A5, nth टर्म से हम सभी टर्म बना सकते हैं। और N की जगह हम क्या रखते जा रहे हैं? नेचुरल नंबर। तो जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो नेचुरल नंबर रख रहे हैं, तो इसको एक फंक्शन मान सकते हैं किसी भी सीक्वेंस को हम, जिसकी डोमेन क्या होती है? नेचुरल नंबर। और जो वैल्यूज आती हैं वो कोई भी सेट हो सकती हैं, और जब वो रियल वैल्यू आती हैं तो उसको रियल सीक्वेंस बोल देते हैं।
एन की वैल्यू जब रियल आएंगी तो उसको रियल सीक्वेंस बोल देंगे। तो ये डेफिनेशन हो गया एज ए फंक्शन, फंक्शन के तरीके से डिफाइन कर रखे इसको। अब इससे आगे है सीरीज। सीरीज किसे कहेंगे? इफ ए वन ए टू ए थ्री ए एन अप टू बी सीक्वेंस, ये कुछ सीक्वेंस है, देन द एक्सप्रेशन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू ए एन प्लस इस तरीके से इज कॉल्ड द सीरीज। सभी को प्लस से जोड़ दिया जाए, सभी के बीच में प्लस आ जाए, ये कॉमा से सेपरेट थे सीक्वेंस के टर्म्स, इन सब को ऐड कर दिया जाए इज कॉल्ड द सीरीज कोरस्पोंडिंग टू द गिवन सीक्वेंस, कोरस्पोंडिंग टू द गिवन सीक्वेंस, दी हुई सीक्वेंस के कोरस्पोंडिंग क्या बन गई? सीरीज। द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव साइन से भी कनेक्ट हो सकती हैं टर्म्स, इनके बीच में नेगेटिव आ जाए या फिर ये तो पॉजिटिव लिखा था मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस साइन फॉर्म्स ए सीरीज। क्या बनाते हैं? सीरीज बनाते हैं। प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए तो भी ये सीरीज कहलाएगी, क्योंकि ए टू की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, थ्री की नेगेटिव, तो ये डेफिनेशन होगी भी सीरीज की। प्लस या माइनस से अगर उनके बीच टर्म्स के बीच सीक्वेंस के टर्म्स के बीच प्लस माइनस आ जाए तो क्या बनेगी? वो सीरीज बनेगी भाई। और एक सिंबल और यूज होता है, जैसे ये, इसको बोलते हैं सिग्मा और समेशन के इज इक्वल टू वन टू एन ए के, नोन एज सिग्मा। एंड इट मीन्स सम, इसका मीनिंग क्या है? सम, समेशन भी बोलते हैं इसे, इसको बोलते क्या है? समेशन। और लिखते क्या है? ये क्या चीज़ है? सिग्मा, सिग्मा का साइन है समेशन का। इसका मीनिंग ये है कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री कहाँ तक सम, वन से लेकर एन तक, ये है इसका मीनिंग, सिग्मा बोलते हैं इसे, समेशन। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है क्वेश्चन, राइट द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंसेस की अगली टर्म बतानी हमें। फर्स्ट पार्ट है 2, 6, 12, 20। तो इसमें हमें रूल देखना है, किस डेफिनेट लॉ से ये नंबर्स के बीच में जो रूल बन रहा है वो देखना है, और उसी रूल के अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग हमें अगली टर्म बतानी है, किस रूल से ये जुड़े हुए हैं सारे एलिमेंट्स। तो देखो, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 4 का है। इसके बीच डिफरेंस 12 माइनस 6 कितना है? 6। डिफरेंस वाला रूल लग रहा है यहाँ पर, कहीं डिवाइड भी लग सकता है, सम का भी, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो डिफरेंस है वो जो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग कितना आएगा इसी रूल से? 10 आएगा भाई आगे डिफरेंस। देखो 4 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, फिर अगला क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि सभी डिफरेंस में कितना कितना बढ़ता गया? 2, तो 8 प्लस 2 10 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा टर्म यहाँ पर? 30। आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का 30। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है इसमें, वन फाइव थर्टीन ट्वेंटी नाइन,
ये है जैसे, तो इसमें भी देखो डिफरेंस वाला रूल लग रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का, 5 माइनस 1 4, 1 में 4 ऐड किया तो 5 आया, 5 में 8 ऐड किया तो 13 आया, 13 में 16 ऐड किया तो 29 आया, ऐड करते जा रहे हैं, कितना ऐड करते जा रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में 4 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 16 ऐड किया, तो ट्वाइस ऐड करते जा रहे हैं। अगले में कितना ऐड होगा, 16 का ट्वाइस 32 ऐड होगा अगले में, तो 32 ऐड करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 61 आ जाएगा। ये आ गया हमारा नेक्स्ट टर्म, इसमें 61 आ गई इसकी टर्म। तो इस तरीके से हम अगले टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं रूल देख करके, किस रूल से वो नंबर्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये है जैसे 3 6 11 18 27, तो इसमें क्या पैटर्न है, देखो 3 ज़्यादा है पहले वाले से, ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ये 9 मोर है इससे पहले वाले से अधिक है। अब देखो 3 ये ज़्यादा था, ये 5 ज़्यादा था, ये 7, ये 9, ये सब कैसे आ रहे, ओड, कंजिकेटिव ओड आ रहे हैं। तो अगला ओड क्या आएगा, 11, इसमें 11 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना है, 32। तो इस तरीके से हम इन टर्म्स को बता सकते हैं। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या है, 2 5 11 23, इस तरीके से हैं। तो देखो इनमें क्या पैटर्न बन रहा है, 2 से कितना ज़्यादा है, 3, ये कितना ज़्यादा है, 6, ये कितना ज़्यादा है, 12, ये ज़्यादा आते जा रहे हैं। इसमें 3 ऐड किया, इसमें 6 ऐड किया, इसमें 12 ऐड किया, और ये सब 3 का मल्टीपल है, 3 × 2 6 6 × 2 12, 12 × 2 24। अगला जो है ऐड कर रहे हैं अगला, वो पीछे वाले का ट्वाइस है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो इसमें क्वेश्चन में बन रहा है। तो 23 में हम 24 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 47। तो आंसर आ गया 47। तो इस तरीके से हम टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका, 1/2 3/4 7/8 और 15/16, इस पैटर्न से बताना है अगली टर्म क्या होगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, नीचे जो टर्म्स हैं उनमें हमें एक पैटर्न मिल रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, डिनोमिनेटर की टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कंजिकेटिव चलती जा रही हैं। डिनोमिनेटर में 2 की पावर्स आ रही हैं, 1 फर्स्ट टर्म में, 1 सेकेंड में, 2 थर्ड में, 3 फोर्थ में, 4। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 32। अब इनमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो फर्स्ट टर्म है, कोई भी टर्म है, वो नीचे वाले से एक कम है। देखो 4 में से 1 कम, 8 में से 1 कम, 7 16 में से 15, तो 32 में से 1 कम होगा तो 31। तो इसकी नेक्स्ट टर्म ये आ गई है, 31/32, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन में बन रहा था, जो इन नंबर्स के बीच में था, वो रूल ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज टू पावर्स है, और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है। तो उस पैटर्न और रूल से हमने अगले टर्म बता दी है। तो ये डेफिनेट लॉ और रूल से हम टर्म्स बताते जा रहे हैं। तो ये रूल और लॉ ही हमें बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अगली टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द फर्स्ट फोर टर्म्स। फर्स्ट फोर टर्म्स बतानी है इसकी हमें। तो ए एन इसके अंदर है, ए एन इज इक्वल टू एन इन टू एन स्क्वेयर प्लस 2/3। तो इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स बतानी हमें, एन की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। एन की जगह 1 रखेंगे तो ए वन इज इक्वल टू 1 × 1² + 2/3। तो ये आ गया 3/3, कितना आ गया, 1। इसी तरीके से हम अगली टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू 2 रखें तो ए टू आएगा,
टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री, तो ये आ जाएगा टू इंटू फोर प्लस टू सिक्स बाई थ्री, ये कितना आ गया फोर। इसी तरह से n इज इक्वल टू थ्री के लिए ए थ्री आएगा, n की जगह थ्री रखेंगे तो थ्री से थ्री कैंसिल, नाइन प्लस टू इलेवन। इसी तरह n इज इक्वल टू फोर के लिए आएगा ए फोर इज इक्वल टू फोर इंटू फोर का स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री, तो ए फोर आ जाएगा फोर इंटू सिक्सटीन प्लस टू एटीन बाई थ्री ट्वेंटी फोर। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या क्या आई, फर्स्ट टर्म तो आई है हमारे पास वन, सेकेंड टर्म आई है फोर, थर्ड टर्म आई है इलेवन और फोर्थ टर्म आई है ट्वेंटी फोर। ये फर्स्ट फोर टर्म्स आ गई इसकी। तो अगर हमारे पास nth टर्म है तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी जगह वैल्यू रख करके, an अगर दे रखा है तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। n की जगह बस हमें वैल्यू पुट करनी है जो टर्म चाहिए, जैसे फिफ्थ टर्म चाहिए तो n की जगह फाइव रख दें। तो इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स हैं, इसका सिक्स्थ पार्ट है ये देखो, an इज इक्वल टू एन स्क्वेयर माइनस वन इफ़ एन इज ओड, एन स्क्वेयर प्लस वन बाई टू इफ़ एन इज इवन। यहाँ पर जो nth टर्म की डेफिनेशन है वो दो तरीके से डिफाइंड है, अगर n ओड है तो ये वैल्यू रखेंगे ए एन की, और अगर n इवन है तो ये वैल्यू रखेंगे ए एन की। तो हमें फर्स्ट फोर टर्म चाहिए, सबसे पहले n इज इक्वल टू वन के लिए चाहिए हमें, तो फर्स्ट टर्म ए वन चाहिए, तो n की वैल्यू वन रखेंगे तो वन, n क्या चीज़ है, ओड है, ओड है तो ये फॉर्मूला लगेगा वन का स्क्वायर माइनस वन, एन की जगह क्या रखेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ओड है तो वन माइनस वन क्या आ जाएगा जीरो। फॉर एन इज इक्वल टू टू एन इज इवन, और इवन है तो ए एन की क्या वैल्यू है, एन स्क्वायर प्लस वन बाई टू, तो सेकेंड टर्म आ जाएगी एन की जगह टू रख दें, टू का स्क्वायर प्लस वन बाई टू, फोर प्लस वन फाइव बाई टू। ऐसे ही हम थर्ड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज ओड, ओड है तो ये ऊपर वाली वैल्यू फंक्शन यूज़ होगी सीक्वेंस की nth टर्म की, एन स्क्वायर माइनस वन, तो थ्री का स्क्वायर माइनस वन नाइन, माइनस वन कितना आ जाएगा एट। और अब निकालेंगे एन इज इक्वल टू फोर इज इवन, ये इवन है, इवन के लिए क्या वैल्यू है, एन स्क्वायर प्लस वन बाई टू, तो n की जगह 4 रख देंगे और ये 16 प्लस वन क्या आ गया 17 बाई टू, ए फोर आ जाएगा यहाँ से, तो ए फोर। ये फर्स्ट फोर टर्म्स आ गई हैं इसकी, ये इसमें फाइंड आउट करनी थी हमने। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं आगे हम। फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड ए फाइव वेन ए एन इज इक्वल टू, ए एन की वैल्यू दे रखी है एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ए एन की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसमें फर्स्ट टर्म निकालनी है हमें ए वन, वन माइनस वन इंटू वन माइनस टू, एन की जगह वन रख देंगे तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा ज़ीरो। इसी तरीके से n इज इक्वल टू टू रखें तो ए टू क्या आएगा, टू माइनस वन इंटू टू माइनस टू, ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम ए फाइव फाइंड आउट कर सकते हैं, n की जगह फाइव रखेंगे तो फाइव माइनस वन इंटू फाइव माइनस टू, फोर इंटू थ्री क्या हो जाएगा ट्वेल्व, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है ए वन गिवन है, ए वन इज इक्वल टू टू एंड ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस फोर, फोर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो इसमें हमें कौन सी टर्म चाहिए, फाइव टर्म्स, नेक्स्ट फाइव टर्म्स, तो एन की वैल्यू टू या टू से ग्रेटर रखेंगे, इसमें रखते हैं ए टू रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, टू माइनस वन प्लस फोर, वैल्यू आ गई ए वन प्लस फोर,
और ए वन की वैल्यू है 2 + 4 कितनी आ गई 6। अगली वैल्यू रखेंगे एन इज इक्वल टू 3 इसके अंदर, तो ए थ्री इज इक्वल टू ए थ्री माइनस 1 + 4 और ए थ्री माइनस 1 कितना बन गया ए 2 + 4 और ए टू की वैल्यू हमारे पास 6 आ ही रही है, तो 6 + 4 कितने आ गई 10। एन इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी ए 4, इस फॉर्मूला दे रखा है टर्म्स फाइंड आउट करने का, ए 4 माइनस 1 + 4 और 4 - 1 कितना हो गया 3 + 4 और ए 3 कितना है 10, 10 + 4 कितना आ गया 14। नेक्स्ट एन इज इक्वल टू 5 तो ए 5 इज इक्वल टू ए 5 माइनस 1 + 4 ए 4 + 4 कितना आ जाएगा 14 + 4 कितना आ गया 18। और इसमें देखो डायरेक्ट जो आगे वाली टर्म है पीछे वाली से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे 4 पहले वाली टर्म, सेकंड टर्म आई 6, अगली आएगी 10, 4 ऐड कर दो, फिर 10 में 4 ऐड कर दो 14, फिर 18, इस तरीके से 6 टर्म निकालनी है तो एन की जगह 6 रख दो, ए 6 इज इक्वल टू 6 - 1 + 4 ए 5 + 4 अगली टर्म पीछे वाली से 4 ज़्यादा है बस, तो 18 + 4 कितना हो जाएगा 22। तो ये अगली 4-5 टर्म्स फाइंड आउट करती हमने। इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ए 1 इज इक्वल टू ए 2 इज इक्वल टू 1, ए एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 2 a n - 1 + 3 a n - 2 एन इज ग्रेटर टू 2, एन 2 से ग्रेटर है, तो अगली 5 टर्म्स निकालनी हमें, तो हम ए 3 निकालते हैं, एन की जगह 3 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 a 3 - 1 + 3 a 2 - 2 थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, एन की वैल्यू क्या है 2 से ज़्यादा, तो एन की वैल्यू 3 रख रहे हैं हम, तो 3 रखेंगे एन की जगह, तो ये बन गया 2 a 2 + 3 a 1, ए टू की वैल्यू भी 1 है और ए 1 की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से ए 3 आ गया 2 + 3 = 5। नेक्स्ट हम ए 4 भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, एन की जगह 4 पुट कर दें इसमें, नंबर 1 जो इक्वेशन है ए एन इज इक्वल टू 2 a n - 1 + 3 a n - 2, तो एन की जगह हम 4 रखेंगे तो ये क्या बना 4 - 1 + 3 a 4 - 2 तो 2 a 3 + 3 a 2, ए 3 की क्या वैल्यू है यहाँ पर 2 × 5 + 3 a 2, ए 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 10 + 3 कितना आ गया 13। इसी तरीके से एन की जगह 5 रखेंगे, तो एन की जगह 5 रखेंगे तो ए 5 इज इक्वल टू 2 a 5 - 1 + 3 a 5 - 2, तो 2 a 4 + 3 a 3, ए 4 की वैल्यू रखेंगे 13 और 3 a 3 की वैल्यू रखेंगे 5, तो ये आ गया 26 + 15 = 41। तो इस तरीके से हम अगली टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी जगह 6 रख दें तो ए 6 क्या बन जाएगा, इनकी जगह 6 रखेंगे तो 6 टर्म आ जाएगी, 6 रख दो यहाँ पर 2 × a 6 - 1 + 3 × a 6 - 2, तो ये आ गया 2 a 5 + 3 a 4, ए 5 की वैल्यू कितनी है 41, ए 4 की वैल्यू 13, तो यहाँ से 82 + 39 तो 121 वैल्यू आ गई है। इस तरीके से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं इसके आगे। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ
सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to 10। सिग्मा का साइन का मतलब क्या है? समेशन, सम करना, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक। एन की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक सम करना है। तो -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2, एन की जगह 1 रखा फिर 2 रखा, -1 की पावर 3 -1 की पावर 4 -1 की पावर 5, ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आएगा? -1 की पावर 10। और इन सभी को हमें ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समेशन सिग्मा का मतलब सम करना। तो -1 की पावर जो ओड है वो तो नेगेटिव हो जाएंगी, तो -1 और ये पॉजिटिव हो जाएगी, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। फर्स्ट टर्म नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव, फोर्थ पॉजिटिव, फिफ्थ नेगेटिव, सिक्स्थ पॉजिटिव, सेवन्थ नेगेटिव, एट्थ पॉजिटिव, नाइन्थ नेगेटिव, टेंथ पॉजिटिव, ये सभी टर्म आपस में कैंसिल हो गई हैं। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ 99 टर्म्स, 99 टर्म्स, 1 -1 प्लस 1 -1, एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की है, इस तरीके से हैं टर्म्स। इसमें 99 टर्म्स का सम चाहिए, तो देखो 2 टर्म्स का सम क्या आ रहा है? 0। फिर अगली 2 का सम भी क्या आ रहा है? 0। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या आ रहा है? 0। तो अप टू 98 टर्म्स, सम अप टू 98 टर्म्स इज 0, टर्म्स इज 0। एंड नेक्स्ट 99th टर्म, टर्म इज ओड टर्म, टर्म इज ओड टर्म, वो ओड टर्म है। और ओड टर्म पर क्या वैल्यू है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, थर्ड की वैल्यू 1 है, फिफ्थ की वैल्यू 1 है, ओड टर्म। एंड वैल्यू ऑफ 99th टर्म, वैल्यू ऑफ 99th टर्म इज क्या होगी? 1। इसलिए सम ऑफ 99 टर्म्स इज 1, क्योंकि 99 टर्म्स तक तो सम, 98 तक सम तो 0 हो गया, 99वीं टर्म बची और वो कितनी है? 1 है, तो 1 ही सम रह गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म -1, थर्ड टर्म 1, फोर्थ टर्म -1। इवन जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है? नेगेटिव, और ओड वाली पॉजिटिव। तो 99वीं टर्म है वो कैसी है? ओड है। तो ओड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न उसकी वैल्यू 1 होगी। और 98 तक सम क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपस में क्या हो रही है? कैंसिल, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से फोर्थ, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ, ऐसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या रहा है? 0। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का। इफ ए एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी, ए वन इज इक्वल टू 10, ए टू इज इक्वल टू 19 और ए थ्री इज इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड सी, फाइंड ए बी एंड सी, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इनकी जगह 1 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो क्या बनेगा? ए वन इज इक्वल टू 1 प्लस सी, ए वन की कितनी वैल्यू है? 10, तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी n की जगह हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, n इज इक्वल टू 2, क्या बनेगा? ए टू इज इक्वल टू ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 और प्लस सी, वैल्यू आ जाएगी 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू ए टू कितना है? 19। और लास्ट वैल्यू है ए थ्री 32, तो n की जगह 32 रख, सॉरी n की जगह 3 रख देंगे, ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी 9a प्लस 3b, हमने n की जगह 3 रखा है c, तो 9a प्लस 3b प्लस c की वैल्यू आ गई है 32। एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई, यहाँ से 2 और एक ही 3, इनको सोल्व करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2,
हम ए बी सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसलिए वेरिएबल्स एलिमिनेट करते हैं, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू, तो वन को टू में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस बी इज इक्वल टू 9। और दूसरा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 9a प्लस 3b प्लस सी, क्योंकि इसमें भी c कैंसिल हो रहा है, 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 19, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, c से c कैंसिल, और 5a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लेंगे, 4 और 5 को, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 5, क्योंकि अब दो वेरिएबल रह गए, अब सोल्व हो जाएगा, क्या होगा, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 13, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, 2a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 4 बाई 2, 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन टू 4, पुट a इन 4, इक्वेशन 4, वी गेट 3 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 9, 6 प्लस बी इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 9 माइनस 6, वैल्यू आ गई 3। और पुट कर देते हैं लास्ट में a b की दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, पुटिंग ए बी सी ए बी इन इक्वेशन 1, वी गेट 2 प्लस 3 प्लस सी इज इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो ये वैल्यू आ गई 5, दिस इम्प्लाइज सी की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि 5 प्लस सी इधर जाकर किसका हो गया, 5 माइनस का हो गया, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5, ये इस एक्सरसाइज का एंड हो गया है। तो ये nth टर्म गिवन थी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म गिवन थी, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।